देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं, भास्कर मिश्रा हमारे साथ हैं। अब आपको दिल्ली के शमशान घाटों का हाल दिखाते हैं। दिल्ली में कोरोना से लगातार मरीजों की मौत हो रही है। निगम बोध घाट पर कोरोना से मरने वाले मरीजों के अंतिम संस्कार के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। तकरीबन हर दिन इस घाट पर 15 से 20 शव जलाने के लिए लाए जा रहे हैं। निगम बोध घाट से हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने एक रिपोर्ट भेजी है, जरा उसे देखिए। दिल्ली में कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और कोरोना से मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। उसका सीधा असर और दबाव दिल्ली के जो शमशान गृह हैं वहाँ देखने को मिल रहा है। अभी हम दिल्ली के निगम बोध घाट पर हैं। यहाँ पर औसतन रोज़ 15 से 20 कोविड के शव आ रहे हैं और उनको यहाँ पर CNG जो क्रीमेटोरियम है, जहाँ पर 3 भट्टियाँ CNG की चलती है, वहाँ पर जलाया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ लकड़ियों से भी उनका क्रीमेशन किया जा रहा है। हालांकि जब शुरुआत में कोरोना के केसेज आने शुरू हो गए थे तो ये लकड़ियों से अंतिम संस्कार बंद कर दिया गया था। सिर्फ CNG जो क्रीमेटोरियम है वहाँ की जो 3 भट्टियाँ हैं वहीं पर अंतिम संस्कार किया जाता था, लेकिन अब 15 जून से लकड़ियों से भी जो कोविड से मरने वाले लोग हैं उनके अंतिम संस्कार उनका शुरू कर दिया गया है। और इतना दबाव इस निगम बोध घाट के शमशान गृह पर पड़ गया है कि औसतन 15 से 20 कोविड से मरने वालों के शव यहां पर आ रहे हैं, जिसके चलते अच्छा खासा दबाव यहां शमशान गृह पर पड़ रहा है। क्योंकि इस मौसम में जो दूसरी बीमारियां होती है उससे भी मरने वालों की संख्या बढ़ जाती है, और ऐसे में जहां एक तरफ कोविड से मरने वालों के जो डेड बॉडीज है वहाँ यहाँ पर आनी शुरू हो गई है, उसके साथ साथ जो दूसरी बीमारियों से जो जिन लोगों की मृत्यु हो रही उनके शव भी यहाँ पर आने शुरू हो गए, उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा असर और दबाव या निगम बोध घाट शमशान गृह में देखने को मिल रहा है। कैमरा मुकेश कुमार के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया TV, दिल्ली। तो आनंद प्रकाश पांडे की रिपोर्ट आपने देखी। कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ते देखकर निगम बोध घाट पर 3 एक्स्ट्रा CNG भट्टियां बनाई जा रही हैं। आनंद प्रकाश की एक और रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और कोरोना से मरने वालों की मौत का आंकड़ा भी रोज़ बढ़ता जा रहा है, और उसका सीधा दबाव दिल्ली के अस्पतालों के साथ साथ जो शमशान गृह हैं वहां पर देखने को मिल रहा है। अभी हम दिल्ली के निगम बोध घाट के CNG क्रीमेटोरियम में हैं और यहां पर जो कोविड से जिनकी मृत्यु हो रही है उनके अंतिम संस्कार के लिए यहाँ विशेष व्यवस्था की गई है। CNG की 3 भट्टियाँ सिर्फ उन शवों को यहाँ पर जलाने के लिए है जिनकी मृत्यु कोविड से हो रही है। हालांकि 15 जून से निगम बोध घाट में लकड़ियों से भी कोविड से मरने वालों के क्रीमेशन का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर निगम बोध घाट में औसतन 15 से 20 कोविड के शव आ रहे हैं, जिसके चलते सीधा दबाव यहाँ पर क्रीमेटोरियम पर पड़ रहा है। हमारे साथ अभी इस निगम बोध घाट के जो मैनेजर हैं विशाल मिश्रा, वो हमारे साथ हैं। हम ये जानना चाहेंगे औसतन अभी कितनी डेड बॉडीज यहाँ पर आ रही है जिनकी मृत्यु कोविड से हुई है। अभी फिलहाल में 2-3 दिन से यहाँ पे एवरेज बढ़ गई है। पहले ये 7 से 8 बॉडी आती थी, अभी 3 दिन से लगातार 20 बॉडी यहाँ पे आ रही है कोविड की, जो इस CNG भट्टी और बराबर में जो लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर भी हो रहा है। तो पिछले कुछ दिनों में आप कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से संख्या बढ़ी है यहाँ पे कोविड के जो डेड बॉडी आने की। हाँ जी, कुछ दिन से बढ़ी है, पहले नहीं तो 7-8 यही बॉडी आती थी, अब 3 दिन से लगातार ये बढ़ी जा रही है इस टाइम बॉडी यहाँ पे। तो जो लकड़ी से क्रीमेशन का जो आप लोगों ने रोक रखा था शुरुआत में कि कोविड पेशेंट्स की लकड़ी से क्रीमेशन का नहीं करना लकड़ी जला के, अब वो शुरू कर दिया गया है। 15 जून को जो हमारे MCD के MHO साहब हैं उनका ऑर्डर आया था, उसके हिसाब से हमने लकड़ी में क्रीमेशन करवाना स्टार्ट करवा दिया है। जब से यहाँ पे CNG और लकड़ी दोनों में यहाँ पे संस्कार हो रहे हैं निगम बोध घाट पे। तो कल कितनी डेड बॉडीज आई थी कोरोना से मरने वालों की? कल वही 15 होंगी, 15 की तरफ। मतलब औसतन 15 से 20 यहाँ पर कोविड के शव यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर दबाव इतना ज़्यादा है कि 3 नए CNG की जो भट्टियाँ हैं वो भी तैयार की जा रही हैं, और ये भी सिर्फ और सिर्फ जो कोविड के शव हैं उनको जलाने के लिए रहेंगी। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से भयावह तस्वीरें हैं। लगातार जो मरने वाले हैं कोविड की वजह से उनका नंबर बढ़ रहा है। दिल्ली की अभी आपने निगम बोध घाट की तस्वीरें देखी, तो ये कहीं ना कहीं अब ज़रूरत है कि लापरवाही बिल्कुल ना की जाए। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।